कंबशन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंबशन के बारे में वेलकम टू माई चैनल डिजिटल ई स्कूल। टॉपिक्स टू बी कवर्ड कंबशन कंडीशन ऑन विच कंबशन डिपेंड इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस एंड टाइप्स ऑफ कंबशन कंबशन अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो कंबशन क्या होता है बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस किसी सब्सटेंस का जलना किसी सब्सटेंस का बर्न होना उसे हम क्या कहते हैं कंबशन फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे कैंडल जल रही है तो ये क्या है कंबशन अब यहाँ पे एक वुड जल रही है तो ये क्या है कंबशन अब यहाँ पे एक कोल जल रहा है बर्न हो रहा है तो ये क्या है कंबशन तो कोई सब्सटेंस जो बर्न हो रहा है या जल रहा है उसे हम कंबशन कहते हैं बट अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो कंबशन की डेफिनेशन क्या होगी अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट एंड लाइट। जब कोई सब्सटेंस केमिकली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो वो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है तो उसे हम कहते हैं कंबशन और जो लाइट वो प्रोड्यूस करता है वो या तो फ्लेम फॉर्म में होगी या फिर ग्लो तो इसे हम कहते हैं कंबशन अब जैसे यहाँ पे कैंडल जल रही है तो कैंडल क्या कर रही है कैंडल की जो वैक्स है वो केमिकली रिएक्ट कर रही है जो उसके आसपास ऑक्सीजन है और हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रही है और ये कैंडल जो है लाइट प्रोड्यूस कर रही है फ्लेम फॉर्म में अब सेकेंड एग्जाम्पल में, में वुड है तो वुड क्या कर रही है वो केमिकली रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन से ही और हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रही है और इसमें जो लाइट है वो किसमें प्रोड्यूस हो रही है फ्लेम फॉर्म में और थर्ड एग्जाम्पल में अब कोल है तो कोल भी केमिकली रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से और हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है और इसमें जो लाइट है वो ग्लो फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है तो कोई भी सब्सटेंस जो बर्न होता है या जलता है तो उसे हम बोलते हैं कंबशन और उस कंबशन में वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है कंडीशंस ऑन विच कंबशन डिपेंड तो कुछ कंडीशंस होती हैं जिस पे कंबशन डिपेंड होता है तो अगर ये कंडीशंस फुलफिल ना हो तो कंबशन पॉसिबल नहीं है तो ये कंडीशंस क्या क्या होते हैं फर्स्ट कंबस्टिबल सब्सटेंस, सेकंड ऑक्सीजन गैस थर्ड इग्निशन टेम्परेचर और इन तीनों कंडीशंस को हम आगे डिटेल में समझते हैं कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस अभी हमने देखा था कंबस्टन की कंडीशन में सबसे फर्स्ट कंडीशन थी कंबस्टिबल सब्सटेंस तो ये कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कम्बस्टन के लिए वो हम देखते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस दो सब्सटेंसेस विच कैन बी बर्न वो सब्सटेंसेस जो जल सकते हैं जो बर्न हो सकते हैं उन्हें हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल कैरोसिन ऑयल पेपर वुड ये सब क्या है कंबस्टिबल सब्सटेंस ये सारे सब्सटेंसेस जो हैं जल सकते हैं तो इसीलिए कंबस्टिबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कम्बशन के लिए क्योंकि अगर हमारे पास कंबस्टिबल सबस्टांस नहीं होगा तो कंबेशन पॉसिबल ही नहीं है कंबर्शन हो ही नहीं सकता तो ये बहुत जरूरी है कंबेशन के लिए अब नेक्स्ट इज नॉन कंबस्टिबल सबस्टांस नॉन कंबस्टिबल सबस्टांस क्या होते हैं दो सबस्टिस विच कैन नॉट बी बर्न जो सब्सटेंसेस बर्न नहीं हो सकते जो सब्सटेंसेस जल नहीं सकते उन्हें हम नॉन कम्बस्टेबल फॉर एग्जाम्पल ग्लास स्टोन पीस आयरन नेल वाटर ये सारे सब्सटेंसेस क्या हैं? नॉन सब्सटेंस क्योंकि ये बर्न या फिर जल नहीं सकते तो अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कंबस्टेबल सब्सटेंस क्या होता है एंड नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस क्या होता है कंबस्टेबल वो होते हैं जो जल सकते हैं एंड नॉन कंबस्टेबल जो जल नहीं सकते ऑक्सीजन अब सेकेंड कंडीशन क्या थी कंबर्शन के लिए ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन गैस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कंबर्शन के लिए अगर ऑक्सीजन गैस ना हो तो कंबर्शन पॉसिबल नहीं है तो ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है वो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं यहां पे हमने लिया एक कैंडल ये कैंडल बर्न हो रही है तो ये बर्न क्यों हो रही है क्योंकि ये केमिकली रिएक्ट कर पा रही है उसके आसपास जो ऑक्सीजन है एयर में अब एयर में तो बहुत सारी गैसेस होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्सीजन बट हमें कंबशन के लिए ऑक्सीजन ही इंपॉर्टेंट होती है तो बाकी गैसेस को हम इग्नोर कर देते हैं तो उसको एयर से ऑक्सीजन मिल पा रही है जिसकी वजह से वो रिएक्ट कर पा रही है जो वैक्स है कैंडल की केमिकली रिएक्ट कर पा रही है और उसकी वजह से वो बर्न हो रही है वो हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रही है बट अब सेकेंड केस में हम क्या करते हैं कि हम इस कैंडल के ऊपर एक इन्वर्टेड जार डाल देते हैं तो हमने जैसे ही जार डाला तो क्या हुआ कैंडल जो है बर्न होना स्टॉप होगी तो ये कैंडल जो है स्टॉप क्यों होगी बर्न ये जलना बंद क्यों होगी क्योंकि जैसे ही हमने इसे जार डाला इसके ऊपर तो इसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया अब आसपास की एयर से जो उसे ऑक्सीजन मिल रहा था अब उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो इसकी वजह से वो केमिकल रिएक्ट नहीं कर पा रही ऑक्सीजन से तो कंबर्शन पॉसिबल नहीं हो पा रहा जैसे ही हमने ऑक्सीजन सप्लाई रोकी उसका कंबर्शन जो है वो बंद हो गया और वो स्टॉप हो गई बर्निंग तो इसीलिए ऑक्सीजन जो है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंबेशन अगर ऑक्सीजन गैस ना हो तो कंबर्शन पॉसिबल नहीं है नेक्स्ट इज इग्निशन टेम्परेचर ये थर्ड कंडीशन थी कंबेशन की ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंबशन के लिए तो ये इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अस कैच फायर एक लोएस्ट टेम्परेचर जिसपे सब्सटेंस फायर कैच करता है उसे हम इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं हम एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पे हमने लिया एक पेपर अब ये पेपर जो है एक कंबस्टिबल सबस्टांस है ये हमें पता है कि ये जल सकता है बट ये अपने आप तो नहीं जल जाता अब यहाँ पेपर पड़ा हो आपके पास तो वो अपने आप तो बर्न होना नहीं शुरू हो जाएगा जलना शुरू कर देगा जब तक हम उसके आसपास मैस्टिक ना लेके आए उसे इग्नाइट ना करें वो तब तक पेपर नहीं जलेगा पर जैसे ही हम उसे मैस्टिक से बर्न करेंगे तो एकदम जलना शुरू कर देगा वेर एस अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें वुड का तो ये वुड है ये भी कम्बस्टेबल सब्सांस है ये भी जल सकती है बट इसको जलने में बहुत टाइम लगता है हम इसे हमें इसे बहुत हीट देनी पड़ती है इसे पेपर से या फिर कैरोसिन ऑयल भी हम कभी कभी यूज करते हैं तो लेकिन इसे बर्न होने में बहुत टाइम लगता है एज कम्पेयर टू पेपर जो पेपर जो है एकदम जल जाता है तो वो क्यों होता है बिकॉज ऑफ द इग्निशन टेम्परेचर क्योंकि पेपर का इग्निशन टेम्परेचर जो होता है बहुत लो होता है तो जैसे ही हम उसे जरा सी आ, आ, फायर लगाते हैं तो वो जलना शुरू कर देता है लेकिन वुड का इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है तो उसे बहुत टाइम तक हमें हीट देनी पड़ती है कि उसका इग्निशन टेम्परेचर उस लेवल तक पहुंचे जिसपे वो जलना शुरू करेगी वुड वु एक और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे ये ड्राई लीव्स हैं अब ड्राई लीव्स जो हैं बहुत ईजिली फायर कैच कर लेती हैं ये हमें पता है बट ये फायर कैच कब करती हैं जब बहुत सारी हीट होती है एटमोस्फेयर में जब बहुत सारी हीट होती है उसके आसपास तो उस हीट की वजह से तो उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है उस लेवल तक पहुंच जाता है जिसपे वो जल सकती हैं ये लीव्स तो ये बर्न होना शुरू हो जाती हैं तो कोई भी सफसान जो है फायर तभी कैच करता है जब उसका इग्निशियन टेम्परेचर उस पॉइंट पे पे जहां पे वो बर्न होता है वहां तक मेट हो जाता है वहां पे रीच कर जाता है इग्निशियन टेम्परेचर का हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे हमने क्या किया दो पेपर कप लिए एक पेपर कप एम है और दूसरे पेपर कप में हमने वाटर डाल दिया है और दोनों पेपर कप्स को हम कैंडल से बर्न कर रहे हैं अब जो पेपर कप एम है जैसे ही हमने उसे हीट दी कैंडल से वो फटाफट से बर्न होना शुरू हो जाएगा क्योंकि उस पेपर कप का इग्निशन टेम्परेचर लो है तो वो जल्दी फायर कैच कर जाएगा बट इन सेकेंड केस जिस पेपर कप में वाटर है वो जैसे ही हमने उसे हीट दी बट वो फिर भी बर्न नहीं होता क्यों क्योंकि उसकी जो हीट हम दे रहे हैं कैंडल से वो ट्रांसफर हो जाती है वाटर को तो वाटर की प्रेजेंस की वजह से पेपर कप का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो रीच नहीं कर पाता और उस वजह से वो बर्न नहीं होता तो हर सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर जो है वो अलग अलग होता है किसी सब्सटेंस कोई सब्सटेंसेस होते हैं जो बहुत इजीली फायर कैच कर जाते हैं और कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें बहुत टाइम लगता है तो सारे सब्सटेंसेस सब्सटेंसेस का इग्निशन टेम्परेचर जो है डिफरेंट डिफरेंट होता है अब पेपर है उसका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है वो इजिली फायर कैच कर लेती है वेर एस वुड को बहुत टाइम लगता है क्योंकि उसका इग्निशियन टेम्परेचर हाई होता है उसे हमें बहुत हीट देनी पड़ती है तो इग्निशियन टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट होना चाहिए ना तो ज्यादा टू लो हो और ना ही ज्यादा हाई हो कि इतना लो हो कि बहुत इजिली फायर कैच कर जाए और इतना हाई हो कि बहुत टाइम लगे उसे फायर कैच करने में तो इसलिए इग्निशियन टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट होना चाहिए आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है नेक्स्ट इज इनफ्लाबल सब्सटेंसेस इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं ये होते हैं कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस हैं बट इनको हमने डिफरेंट नेम क्यों दिया हुआ है बिकॉज दे आर दो सब्सटेंसेस दे आर दो सब्सटेंसेस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर दैट दे कैच फायर इजिली मतलब वो सब्सटेंसेस होते हैं ये जो इनका इग्निशन टेम्परेचर इतना लो होता है कि बहुत जल्दी और बहुत इजीली फायर कैच कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कैरोसिन पेट्रोल इन दोनों का ही इग्निशन टेम्परेचर जो है इतना लो होता है कि बहुत जल्दी और बहुत इजीली फायर कैच कर लेते हैं सपोज आपके आपके रूम में कहीं कैरोसिन गिरा हुआ है और उसके पास आप जलती हुई मेजिक ले आएंगे तो वो कैरोसिन क्या होगा जल्दी से आग पकड़ लेगा और जहां जहां कैरोसिन गिरा होगा वहां वहां आग फैल जाएगी क्यों क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर इतना कम होता है कि बहुत जल्दी फायर कैच कर लेता है तो इसीलिए इसे नेम दिया गया है इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस वो सब वो कम्बस्टेबल सब्सटेंसेस होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर इतना लो होता है जो बहुत इजिली और बहुत जल्दी फायर कैच कर लेते नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंबेशन थ्री टाइप्स होते हैं कंबेशन के फर्स्ट इज स्पॉन्टेनियस कंबेशन सेकेंड इज रैपिड कंबेशन थर्ड इज एक्सक्लोजिव कम्बशन और इन तीनों कंबेशन को हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ कम्बशनियस कंबशन स्पॉन्टेनियस कंबस क्या होता है इन दिस टाइप ऑफ कंबेशन सबसान सडनली बर्स इन टू फ्लेम्स विदउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी एप्रेंट कॉज इसका क्या मतलब हुआ कि सब्सान जो है कोई सब्सटेंस है कम्बस्टिवल सब्सटेंस वो एकदम ही सडनली ही बर्स्ट हो गया इनटू फ्लेम्स में एकदम से ही जलना शुरू हो गया मतलब आपने उसे जलाया नहीं लेकिन वो एकदम से ही जलना शुरू हो गया तो उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस तो इसका एग्जाम्पल है जैसे फॉरेस्ट फायर अब फॉरेस्ट फायर के बारे में आपने न्यूज में जरूर देखा होगा कि कहते हैं कि पूरे फॉरेस्ट में आग लग गई तो वो कैसे होता है अब कोई जाके तो फॉरेस्ट में आग नहीं लगाता तो क्या होता है कि अगर बहुत सारी हीट आ रही हो सन से या फिर कोई लाइट स्ट्राइक की हो तो एक ट्री पे आग लग गई जिसकी वजह से उसका मेट कर गया और एक एक आग लग गई तो फिर से करते करते दूसरे तीसरे ऐसे करते करते पूरे फॉरेस्ट में आग जो है फैल जाती है तो क्या होता है सडनली ही सब्सान जो है बर्स हो जाता है फ्लेम्स में उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबस सेकेंड टाइप ऑफ कंबस इज रैपिड कंबेशन रैपिड कंबस क्या होता है इट अकर्स रैपिडली एवॉल्विंग लॉर्ट ऑफ हीट एंड लाइट अब इसमें क्या होता है इस कंबर्शन में जैसे आप ही आप उसे इग्नाइट किया या जलाया तो क्या होगा कि एकदम जल्दी से उसने फायर को पकड़ लिया उसने फायर कैच कर ली और बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही उसने हीट और लाइट भी प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी तो उसे हम कहते हैं रैपिड कम्बर्शन जो बहुत जल्दी सब्सटांस जो सब्सटांसिस बहुत जल्दी फायर कैच कर लेते हैं और बहुत जल्दी हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं तो उस टाइप ऑफ कंबर्शन को हम रैपिड कंबर्शन कहते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल कैरोसिन कोल या एलपीजी एलपीजी क्या होता है लिक्विफाइड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस तो ये सारे सब्सटेंसेस क्या हैं बहुत जल्दी फायर कैच कर लेते हैं और बहुत जल्दी हीट और लाइट प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं तो इस टाइप ऑफ कंबर्शन को हम कहते हैं रैपिड कंबर्शन थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ कंबर्शन इज एक्सप्लोजिव कंबर्शन एक्सप्लोजिव कंबर्शन क्या होता है इन दिस कम्बर्शन वेन अ सबस्ट इग्नाइटेडक्शन टेक प्लेस विदोल्यूशन ऑफ ही इग्नाइट करते हैं या उसे जलाते हैं तो एक रिएक्शन टेक प्लेस करता है तो उस रिएक्शन की वजह से बहुत सारी हीट लाइट एंड साउंड प्रोड्यूस होते हैं अभी तक हमने जितने भी कंबर्शन देखे उन सब में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होते हैं बट एक्सक्लोसिव कम्बर्शन में हीट लाइट के साथ साउंड भी प्रोड्यूस होता है अब इसका एग्जाम्पल है हमारे पास क्रैकर्स अब क्रैकर में क्या होता है कि जैसे आप उसे जलाते हैं या इग्नाइट करते हैं तो एक रिएक्शन टेक प्लेस करता है तो जिसकी वजह से बहुत सारी हीट लाइट एंड साउंड प्रोड्यूस होता है तो जो रिएक्शन टेक प्लेस करता है उस रिएक्शन की वजह से बहुत सारे गैस भी फॉर्म होती है तो वो गैस भी लिबरेट होती है जब एक्सप्लोजन होता है क्रैकर का तो वो गैस भी लिबरेट होती है तो इस टाइप ऑफ कंबर्शन को हम एक्सप्लोजिव कम्बेशन कहते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें फॉर फर्दर नोटिफिकेशन के लिए थैंक्स